हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 63, जो कि यह वर्कशीट आपका 4 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आज जानेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सोल्यूशन मिल जाएगी। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, बल लगाता है। जैसा कि आपको बताया था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये क्या करता है, अपना जो है ना चुंबकीय प्रभाव छोड़ता है, ये क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव छोड़ता है, ठीक है, ये क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव छोड़ता है इसी तरह, ठीक है। अब देखिए, आरोपित करता है, यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत सीधे रखी जाती है, यानी उसका ठीक अभिलंबवत सीधे रखी जाती है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए, जैसे कि आप देखिए यहाँ स्विच लगाया है, ये से ठीक ये अभिलंबवत इसको रखा है ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ जो है ना, देखिए यहाँ अभिलंबवत रखा है, तो यहाँ ज़्यादा है, ये बी है और ये आपका पॉइंट ए है, और ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, ये जो आपका मैग्नेट है, समझिए, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, उसके बाद आपको इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसे आपको समझना है। देखिए, इसमें बताया गया है, जो एक एल्युमिनियम की छड़ ए बी लीजिए, छड़ ए बी को संयोजक तारों द्वारा स्टैंड से इस प्रकार लटकाया कि वह क्षैतिज रहे, यानी एक लंब इस प्रकार लटकाया गया कि उसे एक क्षैतिज रहे, यानी लंबत रहे, ठीक है। एक प्रबल आवश्यकता चुंबक एनएस को ऊर्ध्वाधर पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि छड़ ए बी चुंबक के ध्रुवों के बीच रहे, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ठीक है। इस प्रकार चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ, यानी चुंबक का ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, तो उत्तरी ध्रुव छड़ के नीचे एवं दक्षिणी ध्रुव इस यानी साउथ के छड़ के ठीक ऊपर हो, इस व्यवस्था से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी अर्थात ऊपर की ओर होती है, किधर होती है, ऊपर की ओर होती है। उसके बाद आप देखिए, अब एल्युमिनियम की छड़ ए बी को बैटरी कुंजी यानी के यानी जो है ना स्विच के और परिवर्ती प्रतिरोधक के साथ श्रेणी का क्रम में संयोजकता कीजिए संयोजित कीजिए ताकि छड़ ए बी विद्युत धारा ए से बी की बी से ए की ओर प्रवाहित होने लगे, ठीक है। तो आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले परीक्षण इसको करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो छड़ ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है और निष्कर्ष यह दर्शाता है कि एल्युमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने के कारण वह विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। ये जो विस्थापन होने की जो प्रक्रिया है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है, जो देखिए धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव, धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, जिसे हमें अच्छे से समझना है। बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए, यानी बैटरी को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कीजिए, संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्युमिनियम की छड़ ए बी में धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो प्रेक्षण यानी छड़ ए बी दाईं ओर विस्थापित होती है। निष्कर्ष चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा में भी उत्क्रमित होती है। यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। आपको क्या करना है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों याद कर लेना है। एक आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है,
या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, एक ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है, स्थानांतरित ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ आपको देखना है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऊर्ध्वाधर अधोमुखी हो गई है, जिसके लिए आप देख पाएंगे जो अश्वनाल चुंबक को पहले ही की अपेक्षा उल्टा करके इस प्रकार से समायोजित करें कि चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव एन छड़ ए बी के ठीक ऊपर हो और दक्षिण ध्रुव एस छड़ ए बी के ठीक नीचे हो, यानी प्रेक्षण। अब यदि छड़ ए बी में विद्युत धारा बी से एक दे तो छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी, यानी जब विद्युत धारा जो है ना जैसे ए बी तो बाईं ओर वो क्या होगा, वो विस्थापित हो जाएगा। और निष्कर्ष के आधार पर ये कहा जाता है, जैसे देखिए इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही चालक पर लगने वाला बल दिशा के में बदल जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना है। ठीक है, इसे आप समझिए, आपके पास एनसीईआरटी बुक है वहाँ से भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, तो बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, यानी एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अंगूठा यानी चालक की दिशा को जो दर्शाता है। ठीक है, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी उंगली यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को न दिशा और मध्यम उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, और एक धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया बल। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है, और यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं, यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए और यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के ज्ञात के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। तो किसी क्षेत्र में रखा गया धारावाही चालक एक बल का अनुभव करवाता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत एक दूसरे के लंबवत है तो क्या करेंगे, तो धारावाही पर अभिनय करने वाला बल दोनों के लिए लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, लंबवत। ठीक है, यहाँ पे आप लंबवत लिख देंगे होगा, और यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा ही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, तो एक विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाता है कि इन्हें वाला बल अधिकतम होता है, इसीलिए कि जब करंट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब लंबवत होता है, जब करंट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी विद्युत धारावाही चालकों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल का परिमाण इन बातों पर निर्भर करते हैं जो कि निम्नलिखित है, चुंबकीय क्षेत्र के बल पर, किस चालक में उपस्थित विद्युत धारा पर, और उसके बाद आप उसके चालक की लंबाई पर। अब हम बी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से वर्कशीट को सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तो इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है। अब बी पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या है। देखिए, यदि बल दाएं से बाएं लगाए गए तो लगने वाले बल
कि दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए, यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए, तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय ये क्षेत्र, आप यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि इसीलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित या उलटने पर बल की दिशा भी उलट जाती है, और जब विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है तो दो बल की दिशा भी उलट जाती है। तो ये आपका चुंबकीय है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।